गुड मॉर्निंग। जैसे सबको पता ही है आज है दिवाली और मेरी तरफ से आप सबको आपकी फैमिली को ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की। और मेरी दिवाली की तैयारी हो चुकी है स्टार्ट। अभी मैं फूल इकट्ठे कर रही हूँ। इस बार मेरा बहुत ज़्यादा मन था कि मैं खुद से अपने हाथों से माला बनाऊँ। मैंने कभी नहीं बनाई तो मैं अभी बना रही हूँ। और मैं इधर उधर भी देख रही थी, कोई मुझे देख तो नहीं रहा नेचर लवर, क्योंकि मैं खुद हूँ तो मैं फूल तोड़ रही हूँ ना। अगर मुझे कोई और भी दिखता है ना फूल तोड़ते हो तो मुझे बड़ा गुस्सा आता है, तो इसीलिए। पर फेस्टिवल में चलता है तो यार, मतलब बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईजी है माला बनाना खुद से। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया बट मुझे खुद से लगा कि मैंने अच्छी बनाई, जितना मतलब मुझे आता नहीं था उसके हिसाब से। और मैं ना आज रूम पे अकेली थी क्योंकि पूजा गई थी, ड्यूटी, और दीदी घर चले गए हैं और शाम को ही पूजा आएगी। और मैं तो इस बार घर भी नहीं जाऊंगी क्योंकि बहुत हैक्टिक हो जाता है मेरे लिए, क्योंकि मेरी आजकल तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है ट्रैवल करने से। तो मैंने इस बार अवॉइड ही किया जाना, क्योंकि अभी गांव में एक शादी है। मैं उस शादी में जाने का मेरा प्लान है कि मैं जाऊँ, तो फिर अगर मैं अभी गई और फिर जाऊँगी तो बहुत ज़्यादा मेरे लिए हैक्टिक हो जाता है। तो मैंने सोचा इस बार शिमला में सेलिब्रेट करती हूँ मैं। हाँ, मैं इस बार अकेली होने वाली हूँ दिवाली में। शायद मैं भाभी के पास जाऊंगी, बाकी देखते हैं क्या बनता है, कैसे क्या होता है। तो लो जी, मेरी मेहनत रंग लाई, मेरी माला हो चुकी है रेडी। और अब है सिर्फ पूजा का इंतज़ार, क्योंकि अकेले तो मैं ये लगा नहीं सकती जब तक पूजा नहीं आती। तो पूजा आ चुकी थी तो हमने माला लगानी स्टार्ट की, पर हमें हमारे साथ यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ कि एक्चुअली ये कुछ यूँ था कि हम ना इस पर की लगा रहे थे, क्योंकि अगर हम टेप वगैरह यूज़ करते तो ये झड़ जाता, पर इसके शोर से हमने लोगों को परेशान ही कर दिया था। बट चलो कोई नहीं। और तो फाइनली माला हमारी लग चुकी है, तो अब पूजा करेंगे, फिर इसके बाद मैं जाऊंगी भाभी के पास। तो मिलते हैं आपको सीधे भाभी के पास अब। भाभी के साथ मुझे आज वीडियो बनानी है, उनकी वीडियो बनानी है, और तो आप ही मेरे साथ चलिए कि हम क्या क्या करने वाले हैं। तो चलिए आपको मिलते हैं सीधे भाभी के पास। बस लाइटें लगाई हुई है। भाभी के रूम में हूँ और ये फोटो है भैया और भाभी की, जो दिख नहीं रही है पीछे, यहाँ भी अंधेरा आ रहे हैं। अभी भाभी ये ड्रेस लेने और फिर हम शूट कर लेते हैं अपना। मिरर बहुत मस्त लग रहा है, लाइट थोड़ी कम है बट ओके। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मैं बहुत बुरी सिंगर हूँ। मुझे ना दिवाली का बेस्ट पार्ट जो लगता है ना, जो उस दिन रोशनी होती है, चाहे कैंडल हो या फिर दिया या फिर लाइटिंग, मतलब ये चीज़ ना मुझे एक अलग ही सुकून देती है। एक बहुत ही अच्छी वाइब इनको देख के मन में आती है। तो मुझे दिवाली सेलिब्रेट करना सबसे अच्छा लगता है सबसे। इंडिया में इतने सारे त्यौहार होते हैं, पर मुझे ना सबसे अच्छा यही लगता है दीपावली। बहुत से लोग होंगे जिनको पसंद होगा, जिनमें मैं भी हूँ। आप जो
फाइनली अब भाभी आए तैयार होकर, मैं कब से इनका वेट कर रही थी, पर अभी भी ये कुछ काम में लगे ही है, तब से पता नहीं कब फ्री होंगे। मैं आपको शिमला के व्यू दिखाती हूँ। भाभी हेलो बोलो। पहले ये देखो, हम सेम सेम है, पिंक पिंक। फाइनली भाभी आ चुके हैं तैयार होके, और मेरी वीडियो बन चुकी है ऑलमोस्ट, और अब भाभी की वीडियो बनानी है। पता नहीं हम बना पाएंगे आज की, नहीं बना पाएंगे। तो आप देखते रहिए मेरा ब्लॉग, ठीक है। आज के ब्लॉग का एंड कर रही हूँ मैं यहीं पे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। And happy Diwali once again to all of you. Bye bye.